आप देख रहे हैं न्यूज लाइन 24 चीनाकुड़ी में भव्य श्री भागवत कथा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इस मौके पर काफ़ी तादाद में मुकामी लोग शामिल हुए। आइए तफसील रिपोर्ट के लिए आपको इस कथा में लेकर चलता हूँ। एक साथ बताओ, हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई क्या करते हैं? उन्हें टाइम पास करने के लिए 20 साल के माता पिता के संस्कार, 20 साल की माता पिता का प्यार भूल करके 2 महीने के प्रेम के लिए सबसे लड़ते हैं। सबसे देखो, सच्चा प्रेम है उसका सहयोग तो भगवान भी देते हैं। जहाँ साथ न हो वो प्रेम है, जहाँ लालच न हो वो प्रेम है, जहाँ पर कोई कपट न हो वो प्रेम है, जहाँ आत्मा से प्रेम हो वो प्रेम है। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, मैडम फर्स्ट ऑफ वेलकम इन आवर चैनल। आप जब यहाँ पे आए, यहाँ का मैनेजमेंट देखे कैसा लग रहा था? मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहली बार वेस्ट बंगाल में मेरी कथा का आयोजन हुआ है और यहाँ पहली बार जब मैंने भागवत महापुराण का वाचन किया और पहली बार का अनुभव मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ के भक्तों का भाव भी और यहाँ का जो मैनेजमेंट है, कमेटी द्वारा इतना अच्छा एक विशाल आयोजन किया जा रहा है। श्री ठाकुर जी महाराज इसी प्रकार से हम सबको सद्बुद्धि दें और हम धर्म की पताका को इसी प्रकार से लहराते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैंने आपके प्रवचन में सुना, कहीं ना कहीं आज आपने इंसानियत की बात की और एक समाज की जो बिगड़ा है, कहीं ना कहीं बेटियां को आज भी गलत निगाह से देखा जा रहा, उसके बारे में जो आपने बात की, आज समाज में किस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है? मेरी ओर से एक सोच है कि पुराने ज़माने में बेटा बेटी में फ़र्क किया जाता था, लेकिन अभी पहले लोग इतने शिक्षित नहीं हुआ करते थे। अभी इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि हर घर में लगभग लोग शिक्षित हैं। तो जो पुरानी सोच है, हम सबको जो आगे डेवलपमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए और चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उन दोनों को ऐसे संस्कार देने चाहिए जो किसी भी फील्ड में अगर वो जाते हैं तो अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और कुछ लोग अगर इसके बाद भी किसी बेटी का अपमान करते हैं या उसके खिलाफ बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसके खान पान की वजह से उसकी जो बुद्धि है वो भ्रमित हो गई है। लेकिन ऐसे लोगों की बातों को सुन करके माता पिता को अपनी बेटियों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और अपनी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। बात करें तो आज कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि जो नई नस्ल है, जो न्यू जनरेशन है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रही है और जिसकी वजह कर मौत के आंकड़े भी बहुत बढ़ रहे हैं। नई नस्ल को क्या मैसेज आप लोगों को? इसमें अभाव हो सकता है धर्म का। हम लोग जो हैं बचपन से ही बच्चों के अंदर भगवत गीता का वाचन नहीं करवाते, उनको श्रवण नहीं कराते, इसी वजह से हम लोगों के अंदर सहनशीलता समाप्त हो चुकी है। तो कोशिश यही करें कि जो हमारी न्यू जनरेशन है वो धार्मिक कार्यों से जुड़े, अच्छे प्रवचनों से जुड़े, घर में भगवत गीता का पाठ हो, जिससे मेरा मानना है कि ये जो चल रहा है इस पर पाबंदी लगेगी। कुंदन जी, मैडम लास्ट सवाल ये कि बहुत सी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन हम लोग देखते हैं एज ए जर्नलिस्ट माँ बाप उन पर फेथ नहीं कर पाते, उनको पढ़ने की परमिशन नहीं देते, वैसी माँ को क्या बोलोगे जो बेटियों को पढ़ने की परमिशन नहीं देते? वो माँ भी तो एक बेटी है ना। अगर माँ अपनी बेटी के रास्ते में अगर ऐसी पाबंदी लगा रही है
तो उन माओं से, उन पिता से मेरा कहना है कि अगर बेटी कारणवश ऐसा कुछ बन जाता है समय कि बेटी की शादी अगर किसी ऐसे परिवार में हो जाती है, बेटी को वहाँ पे सुख नहीं मिलता, और कम से कम अपनी बेटी को इतना तो सक्षम बनाएं कि बेटी आगे चल करके अगर कोई कंडीशन, बुरी कंडीशन से गुजर रही है तो वो अपने पैरों पे खड़ी होकर के अपना गुजारा कर सके। तो उनसे मेरी यही प्रार्थना, यही गुजारिश है कि वो अपने बेटियों का सहयोग करें, अगर प्रतिभाशाली है तो उसका साथ दें, अगर वो पथ से भटक गई है तो उसको संस्कार देने की कोशिश करें और किसी समझदार व्यक्ति से उसको समझवाएं। तो संभव है कि मेरे इन प्रवचनों से थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। आज जो प्रोग्राम है किसके तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया? ये प्रोग्राम चिनाकोड़ी के वर्कर्स और चिनाकोड़ी के नागरिकों की ओर से किया गया है। ये हम लोग का बहुत दिन से सोच थी, वोट के पहले की सोच थी, किंतु चुनाव संहिता लगने के कारण हम लोग इसको नहीं चालू कर सके। अब हम लोग ये 18 तारीख से, 12 से 18 था, किंतु किसी कारणवश बारिश हो गई, इसलिए उन्हें आपका 13 से चालू हुआ है, 19 तक हो गए। कितने लोग पार्टिसिपेट कर डेली आ रहे हैं इसमें? लगभग हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। खाली चिनाकोड़ी नहीं, नियामतपुर, आसनसोल, आज तो पंडेसर तक के लोग आए हैं। और हम लोग का इस प्रोग्राम का बजट मोटा मोटी आपका नियर अबाउट 7 लाख है और काफ़ी लोगों ने चंदा दिया है। हम लोग इसे 100 मेंबर हैं और काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के चंदा दिया है, दान दिया है, और बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहा है। इतने अच्छे प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज है, किन किन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आप लोग? देखिए, इसमें पहला तो सपोर्ट प्रशासन का है, दूसरा सपोर्ट हम लोग का जो हम लोग का मेंबर हैं, जो हम लोग एक्टिव मेंबर हैं, और हम लोग को चिनाकोड़ी ईसेल के जो वर्कर्स हैं उनसे बहुत सपोर्ट मिली है इस प्रोग्राम करने के लिए। और आज खास करके हम लोग का भोग, जो खीर का भोग है और खिचड़ी का प्रोग्राम, जितने भी भक्तगण आए हैं सभी को हम लोग आज खिलाने का व्यवस्था किए हैं। जो कलाकार लोग आए हैं जो प्रवचन दे रहे, कहाँ से आए हैं ये? मथुरा वृंदावन से आए हुए हैं और बहुत अच्छा इन्होंने अपना कार्यक्रम किया है। आपका नाम? रतन मसीह। सर, इतने अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बधाई। कितनी मेहनत की प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए? इस प्रोग्राम में हमारे कम से कम 74-75 हमारे मेंबर हैं और हमारे मेंबरों का बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि वो सारे हमारे साथ दिए हैं, और उनके वजह से और कुलेरी के वर्कर के वजह से, ऑफिसरों के वजह से ये प्रोग्राम हम लोग सक्सेस कर पाए हैं और उनका हम बहुत आभार हैं। और जो कलाकार आए हैं जो प्रवचन दे, उनको क्या बोलिए? उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत पूजनीय है, जो मथुरा वृंदावन से आकर के हम लोग के यहाँ पर धरती को पवित्र पावन किए हैं, और हम लोग उनका बहुत आभारी हैं। आपका नाम? बबलू कुमार खेतरपाल।